एवरीवन एंड वेलकम टू क्रंची एंड मंची किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेड पोहा। हम इसमें बिल्कुल भी पोहा नहीं डालेंगे। अगर आपके पास ब्रेड है तो आप ये बना सकते हो पोहा की जगह। इसके लिए हमें चाहिए लाल मिर्च, सॉल्ट, नींबू, प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता 8 से 10, मस्टर्ड सीड्स और हमें चाहिए ब्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल। मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए गर्म होने देंगे सिम पे। जब तक तेल थोड़ा गर्म हो रहा है हम ब्रेड को पीसेस में कर लेंगे। हम एक ब्रेड को 6 पीस में कर लेंगे। मैंने अभी 3 ब्रेड लिए है और उनके 9-9 पीस कर लिए है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स। अब हम डाल देंगे 8 से 10 करी पत्ता और मिलाएंगे। अब हम इसमें प्याज और एक जो हमने हरी मिर्च ली थी उसे आधा करके प्याज के साथ डाल के मिलाएंगे। जब तक ये अच्छे से फ्राई हो रहा है हम बाकी ब्रेड भी थोड़ी सी काट लेंगे। अब मैंने टोटल 7 ब्रेड के 9 पीस कर लिए हैं। एक बार आप देखोगे कि इसमें अच्छे से कलर आने लगे तब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च और सॉल्ट। लाल मिर्च हम इसमें डाल देंगे बहुत हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं चाहिए। और हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी 7। इसमें ब्रेड भी डाल दिया। अब हम इसे मिलाएंगे। पोहा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज करके डाल दें। अब मैंने इसमें 1/2 नींबू डाल के इसे मिक्स कर लिया है। और अगर आप चाहो तो इसमें लास्ट में 1/2 टीस्पून शुगर भी डाल सकते हो। अब मैं नहीं डाल रहा उसे। और अगर ऐसी रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब कर दो क्रंची मंची किचन को और लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।